हेलो फ्रेंड्स, अभी प्रीवियस लेक्चर पे हमने देखा था कि कैसे एक डेसिमल नंबर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया गया था। वो हमारा एग्जांपल सिंपल था। अब देखते हैं दूसरे एग्जांपल के थ्रू, अगर हमें रियल पार्ट और फ्रैक्शनल दोनों पार्ट दे रखे हों। तो एक एग्जांपल दोस्तों ले रहा हूँ कि हमें कन्वर्ट करना है 961.12 base 10, यानी डेसिमल नंबर है। आपको इसको कन्वर्ट करना है हेक्सामल डेसिमल नंबर में बदलना आपको है। इसका मतलब है बेस 16 पे कन्वर्ट करके लाना है, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि 961 को सबसे पहले लेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 16 से इसको भाग करेंगे तो हमें शेषफल से रिमाइंडर बचेगा 1 और भागफल बचेगा 60। अगेन इसको जब 16 से भाग करेंगे तो हमें भागफल बचेगा 3 और रिमाइंडर बचेगा 12। तो 12 को लिखते हैं हेक्साडेसिमल में कितना, सी, कैपिटल सी में लिखते हैं, ठीक है। फिर 16 से भाग करेंगे तो हमें भागफल बचेगा 0 और शेषफल बचेगा 3। तो दोस्तों इसको हम पढ़ते हैं MSB टू LSB। तो MSB इसमें नीचे होती है रियल पार्ट के केस में और LSB होती है ऊपर, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे 3C1। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने देखा था कि 961 डेसिमल नंबर, ये 3C1 हेक्साडेसिमल नंबर के इक्विवेलेंट निकल के आता है। अब दोस्तों बात करते हैं पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट की। तो फ्रैक्शनल पार्ट हम देखते हैं कि हमें दे रखा है 0.12। तो दोस्तों वही पुराना तरीका है कि जब हम फ्रैक्शनल पार्ट को बदलते हैं किसी भी बेस पे तो उसी बेस से मल्टीप्लाई करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 1.92। तो दोस्तों जो 1 है, रियल पार्ट है, वो उसको दूसरी जगह लिखेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को दूसरी जगह लिखेंगे, ठीक है। अगेन 0.92 को हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे 16 से, तो 16 से जब गुणा करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 14.72। तो 14 को कैपिटल ई लिखते हैं हेक्साडेसिमल के केस में, ठीक है। तो ई यहाँ पे लिखेंगे यानी 14 की वैल्यू, और 0.72 यहाँ पे लिख देंगे फ्रैक्शनल पार्ट। फिर इसी फ्रैक्शनल पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो जब 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा 11.52। अब दोस्तों 11 को बोलते हैं हेक्साडेसिमल में है कैपिटल बी, तो यहाँ कैपिटल बी लिख देंगे। तो इसका मतलब है कि जो 0.12 फ्रैक्शनल पार्ट था उसकी वैल्यू निकल के आएगी पॉइंट में बी। आप फ्रैक्शनल पार्ट को दोस्तों ऊपर से नीचे पढ़ते हैं तो क्या आएगा, 1EB, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट में MSB ऊपर होती है, LSB नीचे होती है, ठीक है। तो फाइनली जो हमारा क्वेश्चन था 961.12, ये एक डेसिमल नंबर था, इसको हम कन्वर्ट करके ले आए हैं हेक्साडेसिमल में, जो कि इक्विवेलेंट निकल के आया 3C1.1EB बेस 16। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद हम दूसरे प्रकार का कन्वर्जन देखते हैं कि ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। इसका मतलब है, अभी प्रीवियस वीडियो पर मैंने जो प्रीवियसली वीडियो थे, पहले के वीडियो, उसमें हमने देखा था कि कैसे एक बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर पे बदलते हैं, यानी बेस 2 को बेस 8 पे कैसे बदला जाए, ये वीडियो हम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि बेस 8 का नंबर अगर हो उसको बेस 2 पे कैसे बदलते हैं। ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बता रहे हैं कि ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन का मतलब है बेस 8 के नंबर को बेस 2 पे कन्वर्ट करना, ओके। तो हमने एक एग्जांपल लिया है, कन्वर्ट 671.54 बेस 8 इंटू बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो हमें 671.54 एक ऑक्टल नंबर है, इसको बाइनरी नंबर के इक्विवेलेंट बदलना है, ठीक है। तो हम दोस्तों इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस पे ये नंबर लिखेंगे 671.54। तो हमें पता है कि 6 की बाइनरी नंबर क्या होती है, 7 की क्या होती है, 1 की क्या होती है, 3 डिजिट में। क्यों? क्योंकि ऑक्टल नंबर को बाइनरी में मैक्सिमम 3 डिजिट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों जो रियल पार्ट है उसका अलग बाइनरी लिख लेंगे और फ्रैक्शनल का अलग लिख लेंगे, ठीक है। फिर कंबाइन कर देंगे तो 1 का बाइनरी नंबर क्या होता है, 001, 7 का 111 और 6 का क्या होता है, 110, ठीक है। इसी तरीके से ये यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट का डेस, और तो यहाँ पे पॉइंट हम डेस लगा लेंगे, ठीक है। अब 5 का क्या होता है, 101, 4 का क्या होता है, 100। तो फ्रेंड्स इसको एक साथ कंबाइन कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 110, 111, 1001, 100, base 2। तो फाइनली हमारा जो रिजल्ट है इसका मतलब है 671.54 बेस 8 इज इक्विवेलेंट टू 110, 111, 1001, 2 base 2। ये हमारा रिजल्ट निकल के आया,
ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा ऑक्टल नंबर बेस टू पे बदल गया। बहुत ही सिंपल तरीका है, बस आपको 0 से लेके 7 तक जो डिजिट हैं उनकी बाइनरी नंबर पता होनी चाहिए। जो मैंने पीछे एक चार्ट बताया था वो बस पता हो तो बहुत इजी वे में ये कन्वर्जन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक आपका कन्वर्जन हो गया बेस 8 से बेस 2 पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला इस प्रकार का कन्वर्जन आ सकता है कि हेक्साडेसिमल से कैसे बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल का मतलब है बेस 16 का नंबर। ठीक है, और बाइनरी तो आप जानते हो बेस 2 का नंबर होता है। तो हमने कि एग्जांपल सिंपल लिया है कैपिटल ए टू डी, जो कि 16 बेस पे नंबर है, इसको बेस 2 में लाना है। तो दोस्तों वही सिंपल तरीका है, हम जब ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्ट करते थे तो 3 डिजिट के बनाते थे हर नंबर का, अब हम यहाँ पे 4 डिजिट का बनाएंगे क्योंकि हेक्साडेसिमल के केस में 4 बाइनरी की डिजिट यूज होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैपिटल जो ए की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, 1010 होती है, 2 की 4 डिजिट में क्या होता है 11, 2 की जो बाइनरी नंबर होती है 0010 होती है, डी की क्या होती है 1101 होती है। ठीक है, यही बाइनरी नंबर को एक पास लिख देंगे तो हमारे इस नंबर के इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल ए टू कैपिटल डी बेस 16 का बाइनरी इक्विवेलेंट निकल के क्या आया, 1010001011 बेस 2, तो ये आपका बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर निकल के आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा फ्रैक्शनल हम रियल और फ्रैक्शनल एक साथ नंबर दिया हो वो वाला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इससे डिफिकल्ट लेवल का। तो क्वेश्चन ये ले रहे हैं, सपोज हमें कन्वर्ट करना है टू कैपिटल सी कैपिटल बी डॉट ए कॉम ए और डी। ठीक है, ये एक 16 बेस का नंबर है, मतलब हेक्साडेसिमल नंबर है, आपको इसको बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम जानते हैं इस नंबर की 2 को बाइंड 4 डिजिट में बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है, 2 का 0010 होता है, सी का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है वो 1100 होता है, बी का 1011 होता है, और डॉट है तो डॉट लगा दिया, ए का क्या होता है 1010 होता है, डी का क्या होता है 1101 होता है। दोस्तों यही बाइनरी नंबर एक पास लिख देंगे तो 2CB.AD बेस 16 इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू 0010011001.1010011 बेस 2, ये आपका बेस 16 का नंबर बेस 2 पे कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इट मींस हेक्साडेसिमल 2CB.AD 0010011001.1010011 बेस 2 के इक्विवेलेंट बदल चुका है। तो यही दोस्तों आपका आंसर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताया कंटेंट यूजफुल रहा होगा, आपको अच्छा लगा होगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे किसी नंबर को एक बेस से दूसरे बेस पे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियोस को लाइक करिए और फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, अगर आप नए यूज़र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और पास में एक बेल बटन दे रखी है उसको आप लोग क्लिक कर दीजिए ताकि जब कभी भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले दिन नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।